आपका मित्र मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल बग लर्निंग स्टेशन पर। आज हम आर्टिकल का 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आपको भी कमेंट कीजिएगा कि 10 में से कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसी में से आपको जो प्रिपेरेशन का लेवल का आपको भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो पहला सेक्शन जो आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है, विल यू गो टू डेक्स हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड, ठीक है। विल यू गो टू डेक्स हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड, उनमें से चार ऑप्शन दिया गया है, उनमें से कौन सा होगा बताइएगा। जरूर जल्दी 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 ट्राई कीजिए। तो दोस्तों देखिए वहाँ पर क्या होगा, जो हॉस्पिटल है, जो हमारा जो फ्रेंड एडमिट हुआ है, ठीक है, वो क्या है, फिक्स एक ही हॉस्पिटल में फिक्स हुआ, और कौन सा हॉस्पिटल हमें पता है, इसीलिए वहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल का अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो सही हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल अगर द का प्रयोग करें तो ये बेहतर होगा, वहाँ पर आंसर सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की अगर हम मूव करते हैं, दिस इज डेक्स कार आई बॉट यस्टरडे, वो वही कार है जो मैं यस्टरडे खरीदा, ठीक है। तो बताइए कि वहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा, ए एन होगा या फिर नो आर्टिकल या फिर ऑप्शन द होगा। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा वहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा उसका आंसर क्यों होगा। देखिए जो हमारा दोस्त है जो हमें बता रहा है कि वो जो कार खड़ी है, ठीक है, यानी कि हमें कार अभी दिख रहा है उसके बारे में कुछ आइडिया है हमें, जो कार दिख रहा है वही है कार जो मैं कार खरीदा था, वो हमें बता रहा है, तो क्या हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर जो डेफिनेट आर्टिकल द का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए। देखिए बहुत बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप ही उस पर गलत करते हैं। तो डेक्स एलिफेंट इससे वेजिटेरियन, तो दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो अपने हिसाब से हम सिंपली हम क्या करते हैं, अगर इसकी जो लेटर है पहला लेटर जो है ई है, और ई क्या है, एक भावल है, और साथ ही साथ उसका जो साउंड भी है क्या भावल है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बेसिकली एन लगा देंगे, एन एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन। लेकिन क्या हो जाएगा अगर हम एन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो एलिफेंट है जो पूरी जो स्पेसीज है, एलिफेंट का जो स्पेसीज है उसका जो प्रजाति है उसी को ये दर्शा रहा है, तो इसीलिए वहाँ पर क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी कि आंसर सी होगा करेक्ट आंसर, एन प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, देखिए देखिए। तो कहा गया है आवर सिटी विल हैव डेक्स यूनिवर्सिटी सून, हमारे सिटी में एक यूनिवर्सिटी होने वाला है। तो दोस्तों देखिए जो यूनिवर्सिटी है उससे पहले जो यू है क्या है, एक प्रकार के भावल लेटर तो है, लेकिन जो ये क्या है भावल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर ही रहा है, ठीक है। तो जो यू क्या है एक प्रकार के कंसोनेंट साउंड है, मान लीजिए यू है, ये यू है, ये क्या है कंसोनेंट साउंड है, इसी के लिए अगर हम वहाँ पर एन प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा, सही आंसर एन ही सही होगा, यानी कि आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम डिस्कस करते हैं, द थीफ वॉज सेन टू प्रिजन, ठीक है, बताइए दोस्तों उसमें से आंसर कौन सा होगा, आर्टिकल ए होगा, एन होगा, नो आर्टिकल होगा या फिर द आर्टिकल होगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं जब भी किसी पर्सन को क्या होता है जेल होता है, तो जो जज या फिर मजिस्ट्रेट होते हैं वो फिक्स कहते हैं कि वो किस जेल में जाएगा, यानी कि वो फिक्स है, डेफिनाइट है, ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ पर अगर आर्टिकल द का प्रयोग करें यानी कि आंसर टी करें, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है प्लीज गिव मी डेक्स यूजफुल गिफ्ट, ठीक है दोस्तों, प्लीज गिव मी डेक्स यूजफुल गिफ्ट। तो उस पर जो यू है यू क्या है एक प्रकार की तो भावल अल्फाबेट तो है, लेकिन उसका जो साउंड क्या आ रहा है वहाँ पर एक प्रकार की कंसोनेंट साउंड है, ठीक है, जैसे कि यू आ रहा है, मैंने बताया था आपको यूनिवर्सिटी में जैसे आता है, ठीक है, क्या यू, तो ये क्या है एक प्रकार की कंसोनेंट साउंड है, इसीलिए वहाँ पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं कर सकते, तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे तो ये बेहतर होगा, सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखो आई गो टू मदुराई बाय वाईगाई एक्सप्रेस, ठीक है, आई गो टू मदुराई बाय डेक्स वाईगाई एक्सप्रेस कहा गया है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर देखिए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि जो वाईगाई एक्सप्रेस किया है यानी कि ट्रेन का नाम, यानी कि फिक्स है, ठीक है, यानी कि डेफिनाइट है, तो इसीलिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है अगर फिक्स है तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो इसीलिए वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा, आई गो टू मदुराई बाय द वाईगाई एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए उसका आंसर क्या होगा, दिस मैन इज डेथ सेकेंड न्यूटन। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो आप उसे सही कर पाएंगे, अदरवाइज हो सकता है कि आप गलत भी कर दें। दिस मैन इज सेकेंड न्यूटन क्या होगा, एन होगा या फिर द होगा, द भी तो लग ही रहा है कि सही होगा, लेकिन द सही नहीं होगा। वहाँ पर ए का अगर प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल ए करेंगे तो सही आंसर होगा। क्यों होगा दोस्तों मैं बता दूँ, ठीक है, जो देखिए दिस मैन इज सेकेंड न्यूटन कहा गया है, जब हम कोई प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो उसी पर क्या होगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। वहाँ पर क्या है, जो न्यूटन है क्या है, एक कोई नाम है क्या, एक प्रॉपर नाउन है, उसको वहाँ पर क्या कंपेरिजन किया गया है, तो इसीलिए वहाँ पर कॉमन नाउन की तरह वहाँ पर यूज़ हुआ है। इसीलिए जब भी कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज़ होता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल जो इंडेफिनाइट आर्टिकल ए होता है उसी का हम प्रयोग करेंगे। ये सही हमारा आंसर हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मैं दिखा देता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, डेक्स डैनियल केम टू जर्मनी, ठीक है, बताइए क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल द डैनियल होगा या फिर एन होगा, ए होगा या फिर नो आर्टिकल होगा। तो दोस्तों उससे जो पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं, उसी टाइम पे इंडेफिनाइट आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, तो इसीलिए वहाँ पर भी इंडेफिनाइट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, यानी कि ए डैनियल कम टू जजमेंट, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जो 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट यानी कि जो आखिरी क्वेश्चन है आज की। तो डेक्स लायन इसे फेरोसियस एनिमल कहा गया है, ठीक है, डेक्स लायन इसे फेरोसियस एनिमल, तो बताइए दोस्तों उनमें से आंसर कौन सा होगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, लायन पता है क्या, फिर ए लिखा गया है, तो इसलिए हम सिंपली हम क्या कर देंगे, ए लगा देंगे वहाँ पर, ए लायन इसे फेरोसियस एनिमल। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही आंसर नहीं है दोस्तों, यानी कि एन का तो प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर आर्टिकल द का हम प्रयोग कर सकते हैं तो सही आंसर होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पहले क्वेश्चन था कि डेक्स एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन, वहाँ पर जो एलिफेंट की पूरी प्रजाति पूरी संप्रदाय को बता रहा था, तो इसी तरह वहाँ पर जो किया है जो लायन बोले तो पूरी जो लायन का जो स्पेसीज है उसका जो प्रजाति है उसी को ये डायरेक्ट कर ही रहा है, तो इसीलिए हम वहाँ क्या करेंगे, आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का अगर प्रयोग करेंगे तो ये बेहतर होगा। तो दोस्तों ये था आज के 10 क्वेश्चन आर्टिकल के बेस करते हुए। तो आपके कितना स्कोर है 10 में से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।